हेलो फ्रेंड, मैं सुरभित। आज मैं आप लोगों से विंटर के परमानेंट प्लांट शेयर करूंगी और आप लोग बोलिएगा विंटर का कोई प्लांट परमानेंट रहता है क्या। तो जी हाँ, ये इसी टाइम देखने को हमें मिलते हैं और ज़्यादातर इसी टाइम हमें हेल्दी और खूबसूरत प्लांट देखने को मिलते हैं नर्सरियों में। तो जैसा कि अभी फरवरी लास्ट अब आ ही रहा है, तो इसके बाद ये प्लांट अब आएंगे नहीं नर्सरियों में, ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद परमानेंट प्लांट आएंगे। तो इस टाइम इन खूबसूरत प्लांटों को आप ले जा सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों से रमैया नर्सरी शेयर करूंगी, रमई नर्सरी। और ये नर्सरी बहुत ही खूबसूरत है और हर टाइम इनके यहाँ कुछ ना कुछ यूनिक कलेक्शन आते ही रहता है। और इनके यहाँ होम डिलीवरी और ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी है, लेकिन बता रहे थे 1-2-3-4 प्लांट नहीं भेजेंगे, कम से कम 10-12 प्लांट आपको यहाँ से मंगवानी पड़ेगी। तो जाहिर है कि डिलीवरी चार्ज हो या भेजने ले जाने में 1-2 प्लांट मुश्किल होता है, तो आप यहाँ से होम डिलीवरी हो या दिल्ली की हो या दिल्ली से बाहर हो, ये प्लांट को ऑनलाइन मंगा सकते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत यूनिक कलेक्शन आया हुआ है इनके यहाँ और इसके ज़्यादातर ये प्लांट इसी टाइम देखने को मिलते हैं, तो आप इस टाइम यहाँ से ले जा सकते हैं। और ये जितने भी ये परमानेंट प्लांट हैं, और मैं बता दूंगी कि कैसे आप इसे शेप करेंगे, तो आप इन्हें दोबारा ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत कलेक्शन है, बहुत ही फ्रेश प्लांट न्यू कलेक्शन आया हुआ है। और अक्सर मैं आप लोगों को बताती ही रहती हूँ, अगर प्लांट अच्छे हों और वैरायटी अच्छी आती है तो मैं आप लोगों से शेयर करती रहती हूँ। और मेरे लिए भी बहुत अच्छा हो जाता है कि मैं भी एक प्लांट लवर हूँ। और एक बात और बोलूँगी, मैं किसी नर्सरी को प्रमोट या प्रमोशन नहीं करती हूँ, आप ही की तरह मैं भी एक प्लांट लवर हूँ और मैं भी अपने गार्डन के लिए प्लांट लेती हूँ और किसी भी नर्सरी में से भी प्लांट लेती हूँ तो उसके कॉस्ट दे के लेती हूँ। मैं पे करके सारे प्लांट उनसे लेती हूँ, कभी भी मैं फ्री के प्लांट किसी भी नर्सरी से नहीं लेती हूँ। तो आइए देखें रमई नर्सरी में कौन कौन से प्लांट आए हुए हैं और इसके प्राइस क्या हैं। तो वीडियो पसंद आती हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आपका हमेशा बोलती हूँ, आपका कमेंट लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है। तो देखिए, सबसे खूबसूरत मैं जेरेनियम पॉट के साथ शेयर करूँगी, ये 60 रुपीज़ में है। कलर देख ही सकते हैं और प्लांट की ग्रोथ फ्रेशनेस बहुत अच्छी है और ये परमानेंट प्लांट है। बस बरसात में या ज़्यादा गर्मी में इसे अच्छे जगह छायादार शेड एरिया में रख दीजिएगा तो सालों साल चलेगा, और कटिंग से भी आप इसे लगा सकते हैं। और उसके बाद देखिए, बहुत ही खूबसूरत गुलाब की तरह दिखने वाला, और उससे भी कहा जाए तो उससे तो सुंदर नहीं है क्योंकि गुलाब है। तो गुलाब ही है। ये रेनुकुलस है जो कि बल्ब और कटिंग दोनों से लगा सकते हैं, और कलर बहुत सारे आए हुए हैं, एक से बढ़ के एक कलर है। कुछ खिले हुए हैं, कुछ पॉट में है, तो मैं लास्ट में पॉट वाला भी शेयर कर दूँगी। बर्ड्स के साथ ही ये सारे खिले हुए हैं और विथ पॉट के साथ 60 रुपीज़ बहुत ही रिजनेबल प्राइस है। और सबसे बड़ी बात कि आप कलर देख के ले जा सकते हैं कौन सा कलर है, क्योंकि सारे के फ्लावर खिले हुए हैं, बर्ड्स के साथ हैं, और कुछ जो पॉट में लगे हुए हैं उनमें वो बर्ड्स अभी आ रहे हैं, तो वो भी प्लांट आप ले जा सकते हैं। तो ये भी परमानेंट प्लांट है, बस थोड़ा सा बरसात में और ज़्यादा समर में इसकी थोड़ी सी केयर कर दीजिएगा तो ये एक परमानेंट विंटर का प्लांट है। इसी समय आपको देखने को नर्सरियों में विंटर में मिलता है, और उसके बाद ये प्लांट अब ये नहीं आएंगे, उसके बाद ये परमानेंट प्लांट लेके आएंगे। तो यही टाइम है इन खूबसूरत प्लांटों को अपने गार्डन में ऐड करने का। और उसके बाद देखिए, बहुत ही खूबसूरत यूनिक ये फ्लावरिंग प्लांट है और ये भी बल्ब से कटिंग से लगने वाला है। ये डांसिंग डॉल है और देख ही सकते हैं ऐसे लटकते हुए नीचे, इसके फ्लावर बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। और इसकी प्लांट की ग्रोथ दिखा दूँ, काफ़ी मात्रा में इनके यहाँ ये प्लांट आया हुआ है और बहुत ही यूनिक खूबसूरत प्लांट है। बहुत ये नर्सरियों में कम दिखने को मिलता है, बस एक बार मैंने कमलेश नर्सरी में देखा था। और देखिए, प्लांट ये 6 इंच के पॉट में लगा हुआ है और काफ़ी अच्छा प्लांट है। और ये नॉर्मल गार्डन सॉइल में ये सारे प्लांट लगे हुए हैं, देखिए कलियाँ भर भर के आ रही है। और ये मैं बहुत दिनों से ढूंढ रही थी, लेकिन ज़्यादा दाम होने के कारण मैं नहीं ले रही थी, लेकिन अब ये इसकी प्राइस आपको यहाँ 100 रुपीज़ में मिल जाएगी। इसे डांसिंग डॉल बोलते हैं और देखिए ऐसे फूल नीचे की ओर लटकते हुए बहुत खूबसूरत दिखता है। देखिए एक नीचे से नीचे
जब भी मैं कोई फूल लेती हूँ तो वो ऐसे टूट ही जाता है, तो बहुत ही खूबसूरत है। तो मैं देखती हूँ कि आपको कुछ खिला हुआ दिख जाए तो आप देख लीजिएगा इसके फ्लावर कैसे होते हैं। तो ये देखिए मुझे एक मिल गया, तो ऐसे खूबसूरत ऐसे लटकते हुए देखिए कितना खूबसूरत कलर कॉम्बिनेशन है। तो बहुत ही यूनिक फ्लावर है और मात्र 100 रुपीज़ में बहुत भरा हुआ पॉट है। ऑनलाइन तो ये बहुत ही कॉस्टली आता है और पूरा भरा हुआ प्लांट है। तो इस खूबसूरत यूनिक परमानेंट प्लांट है, लगा सकते हैं। और ये इसको ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं है, 2 घंटे की भी धूप मिल जाए तो काफ़ी है, लेकिन धूप तो चाहिए ही क्योंकि ये फ्लावरिंग प्लांट है, नहीं तो लैगी सा हो जाएगा, फिर फ्लावरिंग नहीं आएंगे। और इसको कोई भी कंपोस्ट दे दीजिए तो बहुत अच्छी तरह से चलेगा, और पानी कम दीजिए तो कोई भी प्लांट कम पानी से कम ही मरता है, ज़्यादा पानी से ही मर जाते हैं। और विंटर चल रहा है तो पानी देख के दे। उसके बाद देखिए एक परमानेंट प्लांट ये इम्पेशन है जो कि आप 60 रुपीज़ में ले जा सकते हैं। इसमें वाइट पिंक कलर 2 कलर मिल जाएंगे आपको। ये भी पॉट में लगाया हुआ प्लांट है, ये भी परमानेंट प्लांट है, कटिंग से बहुत तेज़ी से लग जाता है। और इस प्लांट की खासियत है इसको भी धूप नहीं चाहिए, जहाँ सेडी एरिया हो छन की धूप आती हो वहाँ भी ये बहुत अच्छी तरह से ऐसे भर भर के फूल आते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है, कहा जाए तो ये भी एक परमानेंट प्लांट है। कटिंग लगा के रखिए और ये बहुत दिनों तक ये चलता है, बस बरसात में बचा के रखिए। उसके बाद एक और विंटर का परमानेंट प्लांट और इसी टाइम में ये दिखने को मिलता है विंटर में हमें, हाइब्रिड कैलनचोई। ये आप 200 में ले जा सकते हैं और इतना भरा हुआ ये प्लांट है और ये कोकोपीट में लगा हुआ है और येल्लो पिंक रेड कलर मिल जाएगा कि इससे आप बहुत सारे प्लांट मेरे ख्याल से 10-12 प्लांट तैयार कर। देखिए ये फ्यूजिया की डांसिंग डॉल की ये कटिंग मुझे मिली, तो मैं बस कटिंग जहाँ मिल जाए मैं उठा लेती हूँ, तो ग्रो करके देखूँगी, लग जाएगा तो फ्री का प्लांट मुझे मिल जाएगा। और इधर इनके यहाँ डहेलिया फिर से बहुत सारा आया हुआ है और बहुत सारे कलर में आया हुआ है, देख ही सकते हैं कितना प्लांट उतरा हुआ है। और ये 40 रुपीज़ में डहेलिया आप ले जा सकते हैं, छोटे से पॉली बैग में लगा हुआ है। प्लांट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, बहुत सारे बर्ड्स के साथ है। और कलर देखा जाए तो आपको सारे कलर मिल जाएंगे, सेड में भी मिल जाएंगे, सिंगल कलर में भी मिल जाएंगे, डबल कलर में भी आपको ये मिल जाएंगे, बिल्कुल न्यू कलेक्शन आया हुआ है। और इनके यहाँ प्लांट हमेशा न्यू कलेक्शन आते ही रहते हैं, फिर 1-2 दिन में न्यू कलेक्शन आएंगे बता रहे थे, तो मैं आप लोगों से शेयर कर दूँगी। कलर बहुत सारे हैं, बहुत सारे प्लांट हैं, देखिए रेड में डबल सेड में है, तो 40 रुपीज़ में बहुत ही हैं। और इसके नीचे राइजोम बनते हैं और इसे कटिंग से भी लगा सकते हैं, तो राइजोम अगर सेव करके रखिएगा तो आप नेक्स्ट ईयर इसे ग्रो कर सकते हैं। तो ये भी देखा जाए तो परमानेंट प्लांट है, इसके फूलों में सीड भी बनते हैं, सीड भी कलेक्ट करके रखिएगा तो फिर से दोबारा आप जुलाई अगस्त में ग्रो कर सकते हैं। देखिए वेरीगेटेड नस्टेशियम है, ये 20 रुपीज़ में है। तो ये जो फूल से सूख जाते हैं तो इसमें इतने सारे बीज बनते हैं कि एक बार लगा दीजिएगा तो दूसरे साल ये खुद ब खुद गिर के अपने गार्डन में ग्रो हो जाते हैं। रोज कैसे है? तो मैरीगोल्ड की तरह ये भी बहुत इजी से ग्रो हो जाते हैं। ये रोज प्लांट है, पॉट के साथ है, 100 रुपीज़ में है। इसमें भी बहुत सारे कलर हैं और ये रेड मिट्टी वाला ही ये है और कलर बहुत सारे हैं। प्लांट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, अभी धूप निकल रही है तो इसकी नई नई सूट निकल रहे हैं। ये कुछ दिन पहले ही पुणे वाली वेराइटी लेके आए हैं, देख ही सकते हैं कलर बहुत सारे हैं, पिंक है, रेड है, येलो है, वाइट है, सेड में भी है। तो आप यहाँ से पॉट के साथ ले जा सकते हैं। तो रोज के भी काफ़ी खूबसूरत कलेक्शन है और देखिए ये भी ऑरेंज सेड में कितना खूबसूरत है। तो रोज़ भी अगर जो लेना चाहता है वहाँ से, रोज़ तो सभी जानते हैं परमानेंट, रोज़ भी परमानेंट प्लांट है और इसी टाइम में ये दिखने को मिलते हैं। और देखिए ये मिर्ची है और ये 20 रुपीज़ में आप यहाँ से ले जा सकते हैं, पूरा मिर्ची से चिल्ली से ये पूरा भरा हुआ है। और ये वाले मोटे वाले कलरफुल वाले इसी टाइम देखने को आपको मिलते हैं, बीज कलेक्ट कर लीजिएगा तो फिर नेक्स्ट ईयर आप इसे ग्रो कर सकते हैं। बीज सूखने के बाद जहाँ भी स्प्रेड कीजिएगा तो ये ग्रो हो जाते हैं। बहुत सारे इनके यहाँ कलेक्शन है और जो पुराने प्लांट हटा देते हैं फिर ये न्यू लेके आते हैं। देखिए ये सिल्वर डस्ट है जो कि आप 30 रुपीज़ में ले जा सकते हैं, ये भी परमानेंट प्लांट है, इसी टाइम ये प्लांट दिखने को मिलता है। उसके बाद ये प्लांट नहीं, इधर पेंजी है, पेंजी भी ले जा सकते हैं, पेंजी भी सीड से ग्रो कर सकते हैं और जिनके यहाँ कम धूप आती है वो ज़रूर लगा सकते हैं। और ये देखिए पिटूनिया की इन्होंने फिर से न्यू वेराइटी लेके आए हैं
बहुत सारी न्यू फ्रेश प्लांट लेके आए हैं 20 रुपीज़ में, देख ही सकते हैं प्लांट काफ़ी। मैं इससे पहले वीडियो में आपको बताई थी कि पिटूनिया इनके यहाँ बहुत मरा हुआ है, अच्छा नहीं है, लेकिन इस बार ये दोबारा ये दूसरा ये न्यू अराइवल्स आए हुए हैं इनके यहाँ, काफ़ी खूबसूरत हेल्दी प्लांट है। तो इसमें भी बहुत सारा सीड बनता है, ये फूल सीखने के बाद सूखने के बाद काले काले बीज बनते हैं, तो इससे आप नेक्स्ट ईयर ग्रो कर सकते हैं। हालांकि ज़्यादा गर्मी होने के बाद ये मर जाते हैं, लेकिन सीड आप बचा के रखिएगा तो बहुत सारा प्लांट ग्रो फ्री में कर सकते हैं। ये देखिए, ये डॉग फ्लावर की एक दूसरी वेराइटी आई हुई है। एक तो छोटे छोटे में होते हैं, इसकी जो स्टॉक है बहुत लंबी ऊपर तक जा रही है और बहुत ही खूबसूरत भर भर के इसमें फ्लावर आएंगे। तो ये मुझे कुछ नया वेराइटी का डॉग फ्लावर लगा और कलर तो देख ही सकते हैं, काफ़ी फ्रेश और हेल्दी प्लांट है। और इसमें भी बहुत सारा बीज बनता है, ये भी मैरी गोल्ड की तरह बहुत ईजी से बीजों से ग्रो हो जाता है। और ये देखिए मेरा बहुत फेवरेट है ये पेपर फ्लावर, और बहुत दिनों तक इसके फ्लावर रहते हैं, कहा जाए तो जब तक इसको काटिएगा नहीं ये इसी तरह नकली फ्लावर की तरह आर्टिफिशियल फ्लावर की तरह बने रहते हैं। और देखिए ये हनी बी को भी बहुत अट्रैक्ट करता है, तो ये तितलियां हनी बी को बहुत अट्रैक्ट करता है, जबकि इसमें खुशबू नहीं रहती है लेकिन बहुत सारे इससे हनी बी आते हैं। तो ये भी 20 रुपीज़ में आप यहाँ से ले जा सकते हैं, और हमेशा इनके यहाँ न्यू पेपर फ्लावर के प्लांट आते रहते हैं, काफ़ी इनके यहाँ सेल होती है। और साल्विया तो परमानेंट प्लांट हैं ही, इसमें बीज भी बनते हैं, जो इसके फूल होते हैं इसी में सूखने के बाद बीज बनते हैं, और अगर इसे फूल होने के बाद कट कर दीजिएगा और सेडी एरिया में रखिएगा, बरसात में बचा के रखिएगा, तो ये भी परमानेंट साल्विया प्लांट है। फिर जून जुलाई में इसकी कटिंग लगा लीजिए। और गजेनिया तो लॉन्ग लास्टिंग फ्लावरिंग प्लांट है विंटर का, ये भी आप यहाँ से 20 रुपीज़ में ले जा सकते हैं। कलर देख ही सकते हैं, डबल सेड सिंगल सेड, और प्लांट की ग्रोथ देखा जाए तो काफ़ी अच्छी है, बहुत सारे बर्ड्स हैं। ये है कि लास्ट मई तक ये गजेनिया फ्लावरिंग करता है, तो इसे भी आप अगर बचा के रखें तो नीचे से बहुत सारे बेबी प्लांट निकलते हैं, अलग करके बहुत सारे प्लांट आप तैयार कर सकते हैं। ये देखिए डबल सेड में कितना खूबसूरत लग रहा है। और उसके बाद देखिए ये डबल सेड पिटूनिया आया हुआ है, इनके पास बहुत सारा आया हुआ है, बहुत सारे कलर में आया हुआ है, और ये आप 30 रुपीज़ में ले जा सकते हैं। इतना सस्ता डबल पिटूनिया मैंने इन्हीं के यहाँ देखा। तो डबल पिटूनिया मुझसे बहुत लोग पूछते हैं, तो मैं ज़्यादातर मैं आप लोगों को सारे कलर शेयर करना चाहूँगी कि आप यहाँ से देख के ले जा सकते हैं। देखिए पर्पल वाला है ज़्यादातर इनके, ये देखिए ये लाइट शेड में पिंक कलर के सेट ज़्यादा है, पर्पल है, रेड है, बहुत सारे कलर हैं, और प्लांट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। और देखिए कितना ये हेल्दी प्लांट है, बहुत ही हेल्दी प्लांट है, बहुत ही खूबसूरत प्लांट है डबल पिटूनिया। और ये बहुत दिनों बाद मैंने इसी नर्सरी में देखा और बहुत सारा प्लांट आया हुआ है, और ये देखिए रेड कलर कितना खूबसूरत लग रहा है। तो बहुत लोग मुझसे डबल पिटूनिया पूछते हैं, तो आप डबल पिटूनिया यहाँ से ले जा सकते हैं, कलर का कोई ये नहीं है, सारे कलर आपको यहाँ मिल जाएंगे, और बिल्कुल गुच्छों की तरह रोज़ की तरह दिखने वाला बहुत ही खूबसूरत और हेल्दी प्लांट इनके यहाँ आया हुआ है। और ये देखिए ये पर्पल कलर में है, डबल सेड में सिंगल सेड में सारे आपको मिल जाएंगे। और देखिए ये बहुत खूबसूरत, ये भी डॉग फ्लावर की तरह ही दिख रहा है, लेकिन वो डॉग फ्लावर नहीं है, 20 रुपीज़ में है, और देख ही सकते हैं पूरा भरा हुआ, बहुत खूबसूरत। अगर आपको नाम पता हो तो ज़रूर मुझे बताइएगा, मैं प्लांट दिखा देती हूँ, और बहुत खूबसूरत लग रहा था, लेकिन मुझे इसका नाम पता नहीं क्या है, तो मेरे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इस फ्लावरिंग प्लांट का क्या नाम है। ये भी विंटर का ही फ्लावरिंग प्लांट है, ये भी 20 है ना, और देखिए डबल सेड में है, मैरून कलर में है, बहुत सारे कलर में प्लांट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, बहुत सारे हनी बीज को अट्रैक्ट ये भी प्लांट करता है। और इसके बाद देखिए स्टॉक फ्लावर है, इन सब जो भी विंटर फ्लावरिंग प्लांट है ये भी 20 रुपीज़ में है। ये डबल पेटल वाला स्टॉक फ्लावर है, एक तो सिंगल है, लेकिन यहाँ सिंगल डबल दोनों मिल जाएगा, और इसके में बहुत सारे बीज बनते हैं, तो बीज कलेक्ट करके रखिए, बहुत ईजी से ये भी ग्रो हो जाता है। और देखिए इधर गजेनिया है, और डैंथस देखिए इनके यहाँ कितना अच्छा आया हुआ है कलेक्शन, बहुत हेल्दी प्लांट आया हुआ है, तो सभी जानते हैं तो ये परमानेंट प्लांट है, ये सालों भर फ्लावरिंग करता रहता है, थोड़ा ज़्यादा कम करते ही रहता है, ज़्यादा थोड़ी गर्मी होने पर ये थोड़ा सा कम कर देता है, लेकिन सालों भर ये परमानेंट प्लांट है। और इसमें भी बीज बनते हैं, छोटी छोटी कटिंग लगा लीजिए, और तो बहुत ईजी से इसकी कटिंग
ग्रो हो जाती है। कलर तो ऐसा कोई कलर नहीं है जो नहीं मिलेगा, सिंगल सेल। सबसे बड़ी बात, इनके जो फ्रेश प्लांट आया हुआ है काफ़ी हेल्दी है, तो पिटूनिया तो ज़रूर ले जाएं, परमानेंट प्लांट है। और ये दाम भी ज़्यादा प्लांट लीजिएगा तो कम कर देते हैं, 20 है तो ऐसा नहीं है कि 20 में ही आप जितना प्लांट लीजिएगा उसमें कुछ ये कम कर देते हैं। इधर देखिए कैनेंडुला है, कैनेंडुला 20 रुपीज़ में है। इसमें डबल पेटल वाले, सिंगल पेटल वाले सारे आपको मिल जाएंगे। और जाफरी मैरी गोल्ड है और हाइब्रिड मैरी गोल्ड है, सारे मैरी गोल्ड है। तो मैरी गोल्ड तो सालों भर चलने वाला है, ये रेड वाला तो सालों भर चलता है, परमानेंट है। और ये आप 20 रुपीज़ में ले जा सकते हैं। और बीजों से तो बहुत ही ईजी से आप सूखे हुए फूल को कहीं भी स्प्रेड कर दीजिए, बहुत ईजी से ये ग्रो हो जाता है। और देखिए एक और खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है डेजी, और इनके सारे फूल खिल गए हैं और बहुत हेल्दी प्लांट है। ये भी आप 20 रुपीज़ में ले जा सकते हैं, देख ही सकते हैं बहुत ही खूबसूरत है। तो डेजी ज़रूर लगाइएगा, हैंगिंग बास्केट के लिए तो बहुत परफेक्ट प्लांट है, पूरे पॉट को ये भर लेता है। और देखिए प्लांट की ग्रोथ देखिए कितना भरा हुआ है, ये पूरा भरा हुआ है। और ये भी अप्रैल तक ये डेजी है फ्लावरिंग करेगा। कलर आपको सारे मिल जाएंगे। और इधर देखिए, इधर ये फॉलिक्स है और ये सारे इसमें कलर आपको मिल जाएंगे, ऐसे गुच्छों में फ्लावर आते हैं। और देखिए वाइट, ये ऑफ वाइट है, कितना खूबसूरत लग रहा है। ये भी 20 रुपीज़ में आपको मिल जाएंगे। तो ये भी बहुत दिनों तक, अभी अप्रैल लास्ट में तक करेगा, इसके फ्लावर आते रहेंगे। इसमें भी बहुत सारे बीज बनते हैं, छोटे छोटे बहुत सारे बीज बनते हैं, तो इसके भी बीज कलेक्ट कर रखिए तो फ्री में नेक्स्ट डे। देखिए वाइट कलर कितना खूबसूरत लग रहा है। तो ये तो परमानेंट नहीं है, लेकिन हाँ बीजों से आप इसे फ्री में ग्रो कर सकते हैं। बीजों से फ्री में आप नेक्स्ट ईयर के लिए जून जुलाई में स्प्रेड कर दें तो बहुत ईजी से ग्रो हो जाता है। और ये देखिए मंकी फ्लावर है, बहुत हेल्दी इसके भी प्लांट है। ये भी 20 रुपीज़ में काफ़ी मात्रा में ये भी प्लांट फिर से लेके आए हुए हैं, काफ़ी सेल हुआ है ये प्लांट। तो येल्लो और एक ये डार्क रेड कलर में आपको मिल जाएगा। और प्लांट देख ही सकते हैं, दूर से ही फ्रेशनेस प्लांट की दिख रही है। और इधर तो ये सारे सिनेरिया है, ये भी आपको यहाँ 20 रुपीज़ में मिल जाएगा, पॉली बैग में लगा हुआ है। वैसे ये पॉट में भी लगा हुआ है, तो सिनेरिया काफ़ी हेल्दी प्लांट है, बर्ड्स भी हैं इसमें तो पता कलर चल रहे थे। और इधर इन्होंने कुछ पॉली बैग में सीडलिंग रखा हुआ है, सीडलिंग क्या प्लांट की तरह तैयार है, प्लांटी है। तो सिनेरिया देखिए, इधर सिनेरिया है और इधर ये कॉर्न फ्लावर है, कॉर्न फ्लावर के छोटे प्लांट भी मिल जाएंगे। और इधर ये सारे अफ्रीकन डेजी है और एस्टर प्लांट भी है और ये आइस फ्लावर है। तो देख ही सकते हैं कितना हेल्दी प्लांट है, बहुत अच्छा से ये बहुत हेल्दी प्लांट है, बहुत सारे ये हैं। और इधर ये कॉर्न फ्लावर है, ये कॉर्न फ्लावर है। तो डेजी, अफ्रीकन डेजी भी है, एस्टर भी है, बहुत सारे यहाँ के आपको बहुत सारे ऐसे ज़मीन में लगे हुए प्लांट मिल जाएंगे, लेकिन प्राइस इसकी 20 रुपीज़ ही है। और इधर इन्होंने गुलदाबदी पॉट में लगाई है, जो कि आप यहाँ से 20 रुपीज़ में ले जा सकते हैं। तो ये तो सभी जानते हैं परमानेंट प्लांट है। और कलर 3-4 कलर आपको मिल जाएंगे, नीचे से बहुत सारे प्लांट निकल रहे थे, तो नेक्स्ट ईयर के लिए आप इसे ग्रो कर सकते हैं। और इधर देखिए ये डहेलिया है, जो कि आप 80 रुपीज़ में ले जा सकते हैं, पॉट में लगा हुआ प्लांट है। और मेरे ख्याल से ये 8 इंच के पॉट में लगा हुआ है, तो बहुत ही खूबसूरत, काफ़ी खूबसूरत डहेलिया का कलेक्शन है। और देखिए मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि ये जो रेनिकुलस है वो पॉट में भी, जिसमें छोटे छोटे बर्ड आ रहे हैं, कुछ तो पूरे खिले हुए हैं, कुछ तो देखिए इस टाइप के भी आपको पॉट में 60 रुपीज़ में इस टाइप के भी मिल जा सकते हैं। ये लॉन्ग लास्टिंग है, बहुत दिनों तक चलेगा। तो होप मेरी शेयरिंग पसंद आई होगी आपके लिए। इसी तरह नए नए मैं प्लांट, यूनिक प्लांट लेके आती रहती हूँ, ताकि आप वहाँ जाके ले लें अगर आपको अच्छा लगे तो। होप मेरी शेयरिंग पसंद आई होगी। थैंक यू।